महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में चार युवाओं की बड़ी एंट्री देखने को मिल रही है और इनका रोल भी वर्तमान सियासी संकट में काफी अहम माना जा रहा है। ये युवा नेता हालांकि सियासी परिवार से ही आते हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी सक्रियता भी बड़ी है। इनमें से तीन तो ठाकरे परिवार से आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इनके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इन चार नामों की, तो इनमें तीन, जैसा मैंने आपको बताया, बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, निहार ठाकरे, और इन सब के बीच में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो खुद सांसद भी हैं। ये चारों ही युवा महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा प्रासंगिक हैं। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन युवाओं का क्या रोल है और कैसे इस सियासी संकट के बाद में ये उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। एंट्री पहले ही हो गई थी और धमाकेदार एंट्री हुई थी। पिता मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट में बेटे को भी मंत्री बनाया गया। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। युवाओं के बीच उनको काफी लोकप्रियता भी हाल के दिनों में मिली है, खासतौर पर शिवसेना के लिहाज से देखा जाए तो। यही कारण है कि सरकार जाने के बाद भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। इनके पास जिला, शहरी, जिला युवा इकाई का विस्तार करने की जिम्मेदारी है और साथ ही सरकार गिरने के बाद पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आदित्य ठाकरे के पास है। दरअसल ये बात है दादा की विरासत को अपने पास पकड़े रखने की। जिम्मेदारी अकेले उद्धव ठाकरे की नहीं, उद्धव ठाकरे के व्यक्तित्व को समझना होगा। वो कभी भी खुलकर राजनीति में नहीं आना चाहते थे। फोटोग्राफी का उनको बहुत शौक रहा, पेंटिंग करते हैं, कलाकार किस्म के हैं, और उन्हें राजनीति में या राजनीतिक अंदाज में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे जैसा उनका अंदाज भी नहीं रहा। अलबत्ता ये अंदाज राज ठाकरे को मिला। गहरी दिलचस्पी राजनीति में थी, लेकिन उसके बावजूद बागडोर संभालनी पड़ी उद्धव ठाकरे को। आदित्य में वो वाली बात दिखती है जो उद्धव में मिसिंग थी। यही वजह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तुरंत आदित्य ठाकरे की एंट्री करा दी गई। उनके ऊपर ना तो कोई अभी गंभीर आरोप लगा, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनका नाम जरूर आया था, लेकिन आरोपों पर कोई बड़ा प्रमाण सामने नहीं आ पाया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनके खिलाफ नहीं है। युवा हैं, अभी बहुत समय है, सीखने का बड़ा मौका है, इसलिए बहुत मौका उनके पास अभी महाराष्ट्र की सियासत में बचता है। आदित्य ठाकरे तो चर्चित नाम है। कुछ और नाम हम आपको बताने जा रहे हैं ठाकरे परिवार से, जो अब बहुत तेजी से एंट्री कर रहे हैं, और इनमें एक नाम से आप और परिचित होंगे, अमित ठाकरे। अमित ठाकरे सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज ठाकरे के 27 वर्षीय पुत्र हैं अमित ठाकरे। मैं 27 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री हुई, जब लगभग पिछले एक दशक से ज्यादा समय से उनके पिता राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में लगे हुए थे। जब ये सियासी घटनाक्रम चल रहा था कि राज ठाकरे को शिवसेना छोड़कर जानी पड़ी, तब बहुत छोटे थे अमित ठाकरे, वो इस राजनीति को समझ भी नहीं सकते थे। हाँ, अलबत्ता उन्हें अपने दादा का प्यार या परिवार के समीकरणों को देखने समझने का मौका खूब मिला होगा। राजनीति समझने का मौका मिल रहा है, लेकिन राज ठाकरे जैसा गुरु भी उनको घर में मिला हुआ है। राज ठाकरे ने एक एक बारीकी को सीखा है बाला साहब ठाकरे की, इसीलिए उनको पसंद भी किया जाता है। राज ठाकरे बेबाक हैं, उनके अंदाज को शिवसैनिक पसंद करते हैं, दो टूक बात करते हैं, बेलाग बात करते हैं, और यही बात थी बाला साहब ठाकरे की जो लोगों को पसंद आती थी। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। हालांकि अमित ठाकरे के पास आदित्य ठाकरे के जैसी जिम्मेदारी नहीं है, अमित ठाकरे के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युवा इकाई की जिम्मेदारी है। ये भी युवाओं में लोकप्रिय माने जाते हैं, यानी आने वाले समय में अमित ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा रोल खेलते दिखाई देंगे। अमित ठाकरे के बारे में एक बात और कही जा रही है कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे क्यों चर्चा में आया, आदित्य ठाकरे भी उतने ही युवा दिखाई पड़ते थे, उन्हें भी बच्चा ही माना जाता था, जब तक कि वो पिता उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में मंत्री नहीं बन गए। मंत्री बनना, अधिकार मिलना, लोगों के बीच जाना, राजनीति को समझना, प्रशासन को समझना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। राज ठाकरे के सामने भी ये चुनौती है। उन्हें अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो खड़ा करना ही है, साथ ही साथ बेटे के राजनीतिक करियर को भी एक अच्छा स्टार्ट देना है, और इसके लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रस्ताव ये मिला है कि अमित ठाकरे को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ये कयास लग रहे हैं, इसकी कोई औपचारिक घोषणा कहीं पर नहीं हुई है। इस तरह की बातें कयासों में जरूर सामने आ रही हैं, और ये कयास बहुत तेजी से लग रहे हैं कि अमित ठाकरे क्या एकनाथ शिंदे कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्या आदित्य ठाकरे की तरह ही प्रशासनिक व्यवस्था में भी
भी अमित ठाकरे की एंट्री हो सकती है, और अगर ये प्रस्ताव राज ठाकरे को मिलता है तो क्या इस बूते पर वो एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या शिवसेना में जो ठाकरे परिवार की कमी महसूस हो रही है उस कमी को पूरा करने में एकनाथ शिंदे कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। कम से कम एकनाथ शिंदे के लिहाज से तो दो ठाकरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले तो अमित ठाकरे हैं और दूसरा नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी तस्वीर आपको ढूंढे से बहुत कम मिलेगी, जिनके बारे में आपने सुना बहुत कम होगा, लेकिन हाल के 2-3 दिनों में काफी चर्चा में आ गए हैं। ये नाम है निहार ठाकरे। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े बेटे थे बिंदु माधव ठाकरे, उनके बेटे हैं निहार ठाकरे। बिंदु माधव ठाकरे की साल 1996 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। निहार ठाकरे बहुत छोटे थे उस वक्त, वो उस हादसे के दौरान पिता के साथ मौजूद भी थे। निहार ठाकरे अब तक राजनीति से दूर रहे हैं। उनकी शादी हालांकि राजनीतिक परिवार में ही हुई है, बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से उनकी शादी हुई है। मुंबई बेस्ड वकील हैं। हालांकि अभी तक राजनीति से दूर रहने वाले निहार ठाकरे एक बार फिर से चर्चा में हैं, और ये चर्चा की वजह है एकनाथ शिंदे का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने निहार ठाकरे का जिक्र किया है। सीएम एकनाथ शिंदे निहार ठाकरे को पसंद कर रहे हैं, तो क्या निहार ठाकरे की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि वो उनके भविष्य के राजनीतिक करियर को लेकर शुभकामनाएं देते दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में क्या जोरदार एंट्री करने वाले हैं निहार ठाकरे, ये सवाल गूंजने लगा है। निहार ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत को एक और हवा दे दी है। हो सकता है कि निहार ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में आ जाएं, और इसीलिए वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अभी निहार या फिर स्मिता ठाकरे की तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। अगर निहार ठाकरे शिंदे के साथ आते हैं तो फिर उद्धव के साथ साथ आदित्य और अमित ठाकरे के लिए चुनौती बढ़ा सकते हैं। ये तो हुई बात ठाकरे परिवार की, लेकिन एक और युवा है महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका नाम जोरदार तरीके से चर्चा में है, और ये युवा पहले बताए गए ठाकरे परिवार के युवाओं की तरह कम अनुभवी नहीं है। इसका अनुभव तो सीधे सांसद वाला अनुभव दिखाई पड़ता है। केंद्र की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नजदीक भी ये युवा दिखाई देता है। नाम है श्रीकांत शिंदे, पिता का नाम है एकनाथ शिंदे, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें श्रीकांत कल्याण लोकसभा से सांसद हैं, और स्थानीय स्तर पर इनकी लोकप्रियता इनके पिता के बराबर ही मानी जाती है। इतना ही नहीं, शिवसेना के सांसदों को उद्धव ठाकरे से बगावत करने के लिए प्रेरित करने का श्रेय भी श्रीकांत शिंदे को ही दिया जा रहा है। श्रीकांत शिंदे ये दावा कर चुके हैं कि 12 सांसद उनके साथ में हैं, जो नहीं भी हैं उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उनके साथ आ जाएं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि असली शिवसेना उनके पास ही है, वो शिवसेना से सांसद हैं और पिता शिवसेना से विधायक हैं। पिता ने बगावत करने के बाद सरकार बनाई है। पिता का दावा है कि असली शिवसेना वही है, और यही दावा उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इनके पिता एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद इनका सियासी कद काफी बढ़ सकता है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र केंद्र में श्रीकांत शिंदे काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं। अगर केंद्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की तरफ से और महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है उसके केंद्र में श्रीकांत शिंदे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ये चार युवा हैं जिनकी धमाकेदार एंट्री सियासी संकट के दौर में देखने को मिल रही है। राज ठाकरे की राजनीति अभी बहुत बाकी है, क्योंकि राज ठाकरे को कभी वो मौका नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और जिस मौके को उन्हें मिलना भी चाहिए था, ऐसा उनके समर्थक भी मानते हैं। वो डिजर्व करते थे इस मौके को, लेकिन अपने परिवार की सियासत कह लें, कुछ उनका अपना एटीट्यूड भी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से राज ठाकरे उस सियासत से या उन चीज़ों को पाने से दूर रहे हैं जिनके वो लायक माने जाते रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत ही क्यों ना कह दी जाए, तो बाला साहब ठाकरे की विरासत 3-3 युवाओं के पास इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन तीनों अलग अलग खेमे में दिखाई दे रहे हैं। निहार ठाकरे ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसके साथ जाएंगे। अमित ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हैं। निहार ठाकरे को हालांकि एकनाथ शिंदे के साथ माना जा रहा है। अभी तक राजनीति में नहीं थे, अगर राजनीति में स्टार्ट करते हैं तो वो एकनाथ शिंदे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमित ठाकरे हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का काम देख रहे हैं, युवा इकाई को संभालते हैं, और ऐसे में राज ठाकरे की राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं ये कहना ठीक होगा? वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देते हैं, शिवसेना के साथ दिखाई देते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आदित्य ठाकरे की राजनीति पूरी तरह से शिवसेना की राजनीति है। वो उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अब भी शिवसेना को बचाने के अपने पिता के प्रयासों में उनके साथ में खड़े हुए हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शिव संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं के बीच जा जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले 3 युवा
तीनों अलग अलग धड़ों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और युवा श्रीकांत शिंदे अपने पिता की सियासत को चमकाते हुए मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में श्रीकांत शिंदे का भी केंद्र में कद बढ़ सकता है। क्या श्रीकांत शिंदे को भी कोई मंत्री पद मिल सकता है? क्या केंद्र में उनकी राजनीतिक भूमिकाएं बढ़ सकती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इनके जवाब तो मिलते रहेंगे। एक बात तय हो गई है कि महाराष्ट्र की सियासत में चेहरे बदलने वाले हैं, हालांकि परिवार शायद वही रहेगा। यानी ठाकरे परिवार के तीन तीन चेहरों की एंट्री एक साथ देखने को मिल रही है। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पुरजोर तरीके से अपने बेटे की एंट्री करवा दी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।